उर्दू हिंदी कहानियाँ और अकवाले जरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो सके। ये कहानी है एक कोचकपुर गांव की, जहाँ पर बीजू, सलार, त्रिष्ट नामी लोगों के अलावा और बहुत से लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बच्चे भी हंसी खुशी स्कूल जाया करते थे और स्कूल से वापस आकर आपस में मिलजुल कर खेला करते और हंसी मजाक किया करते थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। त्रिष्टु गांव से बाहर शहर में बिजनेस किया करता था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, भाग्यवान हम कहीं दूर सैर के लिए चलेंगे, जल्दी से तैयारी कर लो। ये सुनकर इसकी बीवी बहुत खुश हो गई। सालार उसी गांव का एक रिहायशी था। सालार के घर में उसकी एक बीवी और उसके दो बच्चे रहा करते थे। सालार ज़्यादातर वक्त अपने घर में ही गुजारा करता था और खुशगप्पियों में मसरूफ रहता था। वो कोई ख़ास कमाने का काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी बीवी अक्सर परेशान रहा करती थी और वो अपने शौहर से कहती थी कि देखो जी, बहुत हो गए, अब आपकी कमाई में गुजारा नहीं होता। इस पर सालार ने जवाब दिया, ए मेरी रमला, देखो तुम परेशान नहीं हो, मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश करने की कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका और हमारा अच्छे खाने का इंतजाम भी कर सकूँ। ये सुनकर इसकी बीवी ने खुदा का शुक्र अदा किया। बिरजू एक गरीब किसान था। उसके पास अपनी दो बैलें थी और वो अपनी बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करता था। बिरजू खेतों में हल चलाने के लिए अपनी बैलों को लेकर निकला और जब वो खेत में पहुंचा, तो उसकी बैलों ने खेत में अच्छा हल चलाया। जब खेत में हल चला लिया तो बिरजू अपने घर वापस चला गया। शाम होते ही उस गांव में दो चुड़ैलें नमूदार हुआ करती थी। उनमें से एक चुड़ैल ने कहा, आज शिकार करने की बारी तुम्हारी है, जाओ कोई अच्छा सा शिकार लेकर। दूसरी चुड़ैल ने कहा, ठीक है मैं ले आती हूँ। गांव में पहुंचकर उसको एक बच्चा नजर आया और उसने जल्दी से उस बच्चे को दबोचकर ले गई और दोनों ने खूब मजे लेकर। सुबह हुई तो सब गांव वाले उस बच्चे की तलाश में इधर उधर फिरे और अपने अपने ख्याल पेश किए। अगली रात चुड़ैलों ने फिर से एक नए शिकार का मंसूबा बना लिया, लेकिन सब गांव वालों को किसी तरह चुड़ैलों की खबर हुई और उन्होंने चुड़ैलों को भगाने के लिए गांव में एक तांत्रिक बाबा का इंतज़ाम कर लिया। तांत्रिक बाबा ने अपने जादू मंत्र पढ़कर किसी तरह चुड़ैल को बुलाया और उसे इस गांव को छोड़ने के लिए राज़ी कर लिया। चुड़ैल तांत्रिक बाबा की सब बातें सुनकर उस गांव को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई और फिर पूरा गांव उसी तरह हंसी खुशी आपस में बातें कर खेल कूद कर और अपनी खुशियां बांटकर ज़िंदगी गुजारने लगा।